दतिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नगरपालिका पार्षद पद के लिए भरे नामांकन फॉर्म को वापस ले लिया गया है, जिससे भाजपा के 9 पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध निर्वाचन होने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी को बधाई दी। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जहां निर्विरोध विजयी पार्षदों का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान स्वागत किया गया। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से प्रभावित होकर भाजपा के पार्षद उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जिसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है। प्रत्याशी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। 6 भारतीय जनता पार्टी के दतिया नगर के और 3 बड़ौनी नगर पंचायत के, ऐसे 9 कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज निर्विरोध निर्वाचित हुए। कांग्रेस को तो कई वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले, यहाँ तक कि कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने भी जो घोषणा कर दी थी उनने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है। ये वास्तव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो विकासोन्मुखी और गरीबोन्मुखी योजनाएं, उनका परिणाम है कि हमारे बीडी शर्मा जी अध्यक्ष, उनका कुशल संगठन का नेतृत्व, उस नेतृत्व से प्रभावित होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दतिया के विकास के लिए, दतिया के जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। मैं उन सबका पार्टी में भी स्वागत करता हूं और निर्विरोध जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई भी देता हूं। देखो, फाइनल सेमीफाइनल देख के हमने कभी राजनीति नहीं की, नहीं कभी चुनाव को देख के राजनीति की है। हमने विकास को आधार मानकर राजनीति की है और हमारा उद्देश्य सिर्फ विकास है और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, बाकी जनता के आभारी। दतिया से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।